श्रीमद्भागवत सप्तम स्कंद अध्याय एक श्लोक 13 से अत्रैवोदारिता पूर्वमितिहास सुदर्शन प्रीत्या महाकृतौ राजन् पृच्छते जातशत्रवे दृष्ट्वा महाद्भुतं राजा राजसूये महाकृतौ वासुदेवे भगवति सायुज्यं चेदि भूभुजः तत्रासीदं सुवर्षीं राजा पाण्डुसुतं कृतौ पप्रच्छ विस्मितमना मुनीनां शृणुतामिदं युधिष्ठिर उवाच अहो अत्यद्भुतं एतद् दुर्लभैकान्तिनामपि वासुदेवे परे तत्त्वे प्राप्तिश्च यद्यस्य विद्विषः नारायण। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, भगवान सम और निर्दोष हैं, पाप पुण्य से अतिक्रांत हैं, सर्वात्मा सर्वरूप हैं, सर्वथा निर्लिप्त हैं, तथापि श्रीमन्नारायण परात्पर पुरुषोत्तम विष्णु के रूप में वे इंद्रादि देवताओं के पक्षधर परिलक्षित होते हैं। दैत्य दानव असुर आदि के घातक संहारक सिद्ध होते हैं। दोनों ही तथ्य शास्त्र सिद्ध है। अवश्य ही दोनों विपरीत भावों में सामंजस्य होगा, लेकिन मेरी बुद्धि डमाडोल हो रही है कि भगवान निष्पक्ष होने पर भी, सम होने पर भी, निर्दोष होने पर भी इंद्रादि देवताओं के पक्षधर क्यों हो जाते हैं, कैसे होते हैं। दैत्यादि के दमन में उनकी प्रीति प्रवृत्ति कैसे परिलक्षित होती है, इसका उत्तर भगवान सुखदेव जी ने दिया। भगवान स्वरूपता निर्गुण है, इसका अंतर्निहित भाव होता है कि वे गुणों के प्रकाशक और नियामक स्वतः सिद्ध हैं, क्योंकि जो निर्गुण होगा वो गुणों से अतिक्रांत होगा, स्वाभाविक रूप से गुण उसका अनुगमन करेंगे और उसमें गुणों के अनुरूप व्यवहार की प्रतीति भी होगी, तथापि स्वरूप से वह निर्गुण ही बना रहेगा। हम कहा करते हैं साहित्यिक शब्दों में, गति शून्य आकाश की गति का अतिक्रमण को ही गतिशील पक्षी या यान कर ले संभव नहीं। गति शून्य आकाश की गति का अतिक्रमण संभव नहीं, क्योंकि वो गति शून्य तो है, लेकिन गति शून्यता उसमें विभुता के कारण है, व्यापक है। वो जो व्यापक है, जहाँ जहाँ पक्षीराज पहुँचेंगे, कोई यान पहुँचेगा द्रुत गति से, वहाँ पहले से ही उसकी विद्यमानता होगी। गति शून्य की गति का अतिक्रमण करने में कोई समर्थ नहीं। ऐसे ही निर्गुण के गुण गणों का था पाने में कोई संभव नहीं, समर्थ नहीं। निष्क्रिय क्रियाकलापों का था पता पाने में कोई समर्थ नहीं। ये सब जो वचन हैं आश्चर्यचकित करते हैं, लेकिन वस्तु स्थिति ऐसी है। अब जो यह भ्रम है कि भगवान देवताओं के पक्षधर होते हैं,
इसको दूर करने की आवश्यकता है। कृतयुग भी होता है तो त्रेता भी होता है, द्वापर भी होता है, कलियुग भी होता है। सत्वगुण की प्रधानता, रजोगुण की प्रधानता, तमोगुण की प्रधानता, और चार युग हैं तो शुद्ध सत्व की प्रधानता। शुद्ध सत्व से सत्ययुग कृतयुग की प्राप्ति होती है, सत्वगुण से मलिन सत्व से त्रेता की, रजोगुण से द्वापर की, तमोगुण से कलयुग की प्रतीति होती है। तीन गुण हैं लेकिन चार वर्ण हो जाते हैं, तीन गुण हैं लेकिन चार युग हो जाते हैं, तीन को चार बनने में कोई विलम्ब नहीं लगता। अब विचार करके देखें तो भगवान सत्वगुण के भी पक्षधर हो गए, रजोगुण के भी पक्षधर हो गए, तमोगुण के भी पक्षधर हो गए, तो इसका अर्थ है किसी के पक्षधर नहीं हुए और सबके पक्षधर हुए। जो किसी का पक्षधर नहीं होता वो सबका पक्षधर हो जाता है, जो सबका पक्षधर होता वो किसी का पक्षधर नहीं होता, जो सबसे प्रेम करता है वो किसी से प्रेम नहीं करता। क्या नहीं तो गोरी काली, गोरा काला, धनी दरिद्र, ये सब विभाग बना रहता है। वो सबसे प्रेम करता है उसका अर्थ क्या है, किसी में समाशक्त नहीं है, अतः वो किसी से प्रेम नहीं करता। जो किसी से प्रेम नहीं करता वही सबसे प्रेम कर सकता है। ऐसे जो निर्गुण है उसी के समाश्रित गुण रहेंगे और वह गुणों का नियामक भी सिद्ध होगा ही। कल्पित तादात्म्य संबंध से निर्गुण में गुण की विद्यमानता रहेगी, क्योंकि गुण अगर आश्रित हो गए तो अपने आश्रय को सगुण किए बिना नहीं रहेंगे। कल्पित तादात्म्य संबंध से निर्गुण में गुणों की प्रतिष्ठा होती है, यही विचित्र बात। जिन्होंने प्रामाणिक रीति से जगत को मिथ्या समझा उन्होंने इतना काम करके कर दिया, रख दिया, उनके समान कोई जगत को सत्य समझने वाले कर्म कर ही नहीं सकते। बात सच्ची है, यानी भगवान शंकराचार्य जी ने अल्प आयु में ही इतना कार्य कर दिया जितना कोई जगत को सत्य समझ कर ही नहीं सकता। जगत को सत्य समझेगा तो आसक्त हुए बिना नहीं रह सकता। एक विचित्र बात है। तो जितने ऋषि मुनि हुए, एक बहुत उत्तम तथ्य है, कोई कटाक्ष नहीं है। मैं साल में दो तीन बार इस भाव को व्यक्त करता हूँ कि सामान्य रूप से संस्कृत का ज्ञान हो, एक बार वह ईशावास्योपनिषद से लेकर मुक्तिकोपनिषद तक केवल मूल मूल किसी टीका टिप्पणी की आवश्यकता नहीं पढ़ ले। उसके बाद यदि वो कहे कि द्वैत सत्य है और आत्मा ब्रह्म नहीं हो सकता तो हम समझ जाएंगे कि ठीक बोल रहा, संभव ही नहीं। किसी टीका टिप्पणी की आवश्यकता नहीं, किसी के आचार्य की टीका टिप्पणी मत पढ़िए, केवल मूल उपनिषद एक बार ईशावास्योपनिषद से लेकर मुक्तिकोपनिषद तक पढ़ जाइए, तब जो निष्कर्ष निकलेगा तो मौनी बाबा बना देगा निष्कर्ष। इसका अर्थ यह है कि या कोई उलाहना या उपालम्ब दे ही नहीं सकता कि द्वैत मिथ्या कैसे, आत्मा ब्रह्म कैसे और ब्रह्म निर्गुण क्यों। इसका अर्थ क्या है, औपनिषद सिद्धांत के अनुसार जगत
कूटस्थ सत्य नहीं है ये तो मानना ही होगा। तो हमने संकेत किया जगत को हम सत्य भी मानते हैं, नित्य भी मानते हैं, मिथ्या भी मानते हैं, असत भी मानते हैं। क्या जहाँ जिस प्रकार का वचन आता है वहाँ उस प्रकार के वचन की संगति लगाते हैं, कुछ विचित्र लगा होगा। सत्यस्य सत्यम श्रीमद्भागवत का 10वां स्कंध और बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया सत्यस्य सत्यम। तो जगत सत्य हुआ या नहीं, संबंध विभक्ति का प्रयोग सत्य के साथ हो गया तो सत्यस्य। अंत में जो प्रथमा द्वितीय विभक्ति घटित शब्द वो ब्रह्म के लिए, प्राण का प्राण, सत्य का सत्य, तो जगत सत्य है या नहीं। सत्यस्य सत्यम भगवान शंकराचार्य ने बृहदारण्यक उपनिषद पर भाष्य लिखा तो जगत को सत्य माना या नहीं। सत्यस्य सत्यम दग्धुर दग्धा कहेंगे या नहीं। जब अग्नि के संपर्क में आया हुआ लोहा दाहक बन जाता है तो अग्नि को क्या कहेंगे, दग्धुर दग्धा, जलाने वाले को जलाने वाला। तो जब सत्यस्य सत्यम यह वचन आता है तो जगत को सत्य माना जाता है व्यावहारिक धरातल पर। नित्यो नित्यानाम कठोपनिषद ओ का प्रश्लेष न माने तो नित्यानाम नित्यः, नित्यो नित्यानाम नित्यानाम नित्यः, यहाँ पर नित्यों का नित्य, तो जगत को नित्य भी माना गया। इस पर भी तो भाष्य है शंकराचार्य जी का। क्या अब लोग कह सकते हैं कि मिथ्या कहाँ से आ गया ये, तो ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या शंकराचार्य के नाम पर यह वाक्य प्रसिद्ध है, लेकिन तो लेकिन यह है कहाँ का, निरालंबोपनिषद का वचन है। जीवो ब्रह्म, भगवान शंकराचार्य के नाम पर यह कथन प्रसिद्ध है, लेकिन सुख रहस्योपनिषद का है यह वचन जीवो ब्रह्म। इसका अर्थ क्या हुआ। अच्छा तो जगत नित्य भी है, उसी को सत्य भी कह सकते हैं, मिथ्या भी है। असतोमा सद्गमय न सतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः, बृहदारण्यक और भगवद गीता का वचन हो गया। तब यहाँ पर जगत इन वाक्यों का अर्थ करेंगे तो जगत को क्या कहेंगे, असत कहेंगे या नहीं। एक ही जगत और इतने ही थोड़े, सर्वम खलविदम ब्रह्म आत्मै वेदम सर्वम, ब्रह्मै वेदम सर्वम, अहमेव वेदम सर्वम। अब क्या हुआ, जगत को लेकर के जितने शब्दों का प्रयोग है, वाक्यों का प्रयोग है, एक जगह संकलित कर लें और सब में तालमेल बैठावें तो जो निष्कर्ष निकलता है वो शंकराचार्य का सिद्धांत हो जाता है। क्या जगत सत्य है, ये भी ठीक है। जगत सत्य कहने वालों से लड़ना झगड़ना व्यर्थ है। श्रुति ने कहा सत्यस्य सत्यम, श्रीमद्भागवत ने कहा सत्यस्य सत्यम, जगत नित्य है, ठीक है। नित्यो नित्यानाम, श्रुति ने कहा जगत नित्य है, जगत मिथ्या है, ठीक है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, निरालंबोपनिषद का वचन है। जगत असत है, अस्तो मां सद्गमय, चाक्षुषोपनिषद बृहदारण्यक उपनिषद का वचन है। ना सत्व विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः, गीता के दूसरे अध्याय का वचन है। इसका अर्थ क्या हुआ, जगत ब्रह्म है, सर्वम खलविदम ब्रह्म छांदोग्योपनिषद है, आत्मै वेदम सर्वम अहमेव वेदम सर्वम सर्वम खलविदम ब्रह्म। इसका अर्थ क्या हुआ, जगत को लेकर जितने वचन उपनिषदों में, भगवद गीता आदि में हैं, उन सब को संकलित कर ले। गुणोपसंहारण न्याय इसको कहते हैं,
गुणोपसंहार न्याय। क्या कहा भरद्वाज जी? गुणोपसंहार न्याय। भगवान शंकराचार्य जी ने ब्रह्मसूत्र भाष्य में शब्द का प्रयोग किया गुणोपसंहार न्याय। इतने शब्दों का प्रयोग किया गया, इन शब्दों पर विचार करेंगे जगत के लिए जिन शब्दों का प्रयोग हुआ है, तब क्या निष्कर्ष निकलेगा? जगत क्या है? एक दृष्टि से सत्य है, एक दृष्टि से असत्य है, एक दृष्टि से मिथ्या है, एक दृष्टि से ब्रह्म है, एक दृष्टि से आत्मा ही है। सब वचन ठीक है, सब में तालमेल बैठाने की आवश्यकता है। जगत सत्य है, दृष्टिगोचर है, अर्थ क्रियाकारिता उपयोगिता इसकी सिद्ध है, इसलिए जगत सत्य है। व्यावहारिक धरातल पर जगत सत्य है, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद क्या है? सत्य है तो नित्य मानना ही पड़ेगा, लेकिन कूटस्थ सत्य नहीं है। कार्य का कारण में विलय होता जाता है तो कूटस्थ सत्य नहीं है, यानी ब्रह्म के सदृश सत्य नहीं है, और बंध्या पुत्र के सदृश असत्य नहीं है, तो बीच का शब्द कौन होगा? मिथ्या है। जो साहित्यिक शब्द है ना, सामंजस्य साधक शब्द से चिन्हने की क्या आवश्यकता है? कूटस्थ सत्य नहीं है तो मानना ही पड़ेगा, कार्य का कारण में ले। श्री रामानुजाचार्य महाभाग ने सुबालोपनिषद के वचन को भगवद गीता के भाष में उद्धृत किया बड़े चावभाव से। उन्होंने एक तथ्य ख्यापित किया, कालक्रम से परोवरीय क्रम से जो अन्यों का लय स्थान हो, जिसका लय स्थान कोई ना हो, उसका नाम परमात्मा है। बंध्या पुत्र में लक्षण नहीं जाएगा। कालक्रम से परोवरीय क्रम से उत्तरोत्तर उत्कृष्ट क्रम से जो अन्यों का लय स्थान हो, जिसका कोई लय स्थान ना हो, वही तो ब्रह्म है। इसका अर्थ क्या हुआ है? इस दृष्टि से मिथ्या हुआ। मिथ्या शब्द चिरने के लिए साहित्यिक शब्द है। कूटस्थ सत्य नहीं, बंध्या पुत्र के समान असत्य भी नहीं, तो बीच का शब्द है कि मिथ्या है। और असत का अर्थ क्या हो गया? अनित्य को ही असत कहते। असत सबसे चिर क्यों होगा? सच्चिदानंद भगवान का नाम क्या हुआ? सच्चिदानंद। सच्चिदानंद का विपरीत शब्द क्या होगा? असच्चिदानंद। तो जगत दुखप्रद है, ये तो वैष्णव भी मानते हैं। बहुत बढ़िया, हमारे पूज्य गुरुदेव ने एक बार प्रवचन में बताया, किसी उपाचार्य महोदय ने कोई झूठ बोल दिया पूज्य गुरुदेव के पास। उधर होता था वैसा, उधर का उधर इससे बहुत काम बिगड़ता था। किसी ने कहा, देखे वो उन्होंने क्या बोल दिया, महाराज ने कहा राम राम, उपाचार्य होकर के मिथ्या भाषण। अब उसने जाकर उनको कह दिया, गुरु जी तो कह रहे थे आपके लिए ही है। उन्होंने कहा, गुरु जी को कह देना संपूर्ण जगत जब मिथ्या है तो हमने एक झूठ बोल दिया तो महाराज को कष्ट क्यों? उसने आके फिर महाराज को कह दिया तो महाराज जी प्रवचन में कहा राम राम, कितना कलयुग आ गया, बताओ ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या का उपयोग झूठ बोलने में विद्वान के मुख से राम राम, कितना कलयुग आ गया क्या अर्थ हुआ इसका? अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह हुआ कि मिथ्या भाषण। तो मिथ्या शब्द जो है कहाँ से आ गया?
कूटस्थ सत्य भी नहीं, और बंध्यापुत्र के समान असत भी नहीं, तो मिथ्या हो गया। अब जब ब्रह्म को कहेंगे सच्चिदानंद, उसमें आनंद आनंद तो मानना ही पड़ेगा, चित्त तो मानना ही पड़ेगा ब्रह्म को। जगत दुखप्रद है तो क्या हो गया, ब्रह्म को उससे विलक्षण आनंद स्वरूप मानना पड़ेगा। जगत अचित है तो उससे विलक्षण ब्रह्म को चित रूप मानना ही होगा। अब अनित्य है, अनित्य को ही असत कहते हैं, तो ब्रह्म सत है। उधर से लें तो सत, जब ब्रह्म सत है तो उससे विलक्षण शब्द क्या होगा, असत होगा ही। इसलिए सभी सयाने एक मत विदुषाम विदुषाम किम अशोभनम, भगवद गीता के दूसरे अध्याय में ना सतो विद्यते भाव ना सतो विद्यते भाव ना सतो विद्यते भाव। अब यह वचन आ गया, इसको क्षेपक नहीं मान सकते थे कौन, श्री रामानुजाचार्य महाभाग, बहुत दृढ़ता पूर्वक हृदय को मजबूत करके सुदृढ़ करके उन्होंने लिखा, अप्राप्त का प्रतिषेध नहीं होता। भगवान ने स्वयं कहा है ना सत्व विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। यहाँ असत शब्द का प्रयोग बंध्यापुत्र आदि के लिए नहीं हो सकता, क्यों, अप्राप्त का प्रतिषेध नहीं होता, एतावता जगत असत है। लो अब हो गया ना, यहाँ शंकराचार्य से एकीभूत हो गए या नहीं श्री रामानुजाचार्य महाराज, सबसे कट्टर द्वैतवादी मध्वाचार्य महाभाग, चिढ़ाने के लिए नहीं, मैं आस्था पूर्वक बोलता हूँ, सभी आचार्य प्रणम है, प्रणम्य है। भूत प्रकृति मोक्षम च ये विदुर यान्ति ते परम, गीता के 13वें अध्याय का अंतिम श्लोक है यह। भूत प्रकृति मोक्षम च, भूत प्रकृति मोक्षम च, मोक्ष संन्यास योग, गीता के एक एक अध्याय का नामकरण गीता प्रेस ने कर दिया। अब गीता प्रेस के द्वारा प्रकाशित गीता ही प्रसिद्ध है, तो लोग समझते हैं कि मूल महाभारत ने प्रत्येक अध्याय का नामकरण किया है, ये भ्रम हो गया। श्री विद्यानंद गिरी जी महाभाग बहुत अच्छे, हमको बहुत मानते थे, गीता इंदौर भवन, इंदौर गीता भवन में बोल रहे थे एक दिन, वो बैठे सुनने, हमारे प्रश्न सुनने के लिए बैठे भी रहे, तो हमने संकेत किया कि गीता प्रेस से जो गीता प्रकाशित है उसमें जो अंत में पुष्पिका है, प्रत्येक अध्याय का परिचय है, श्रीमद् भगवद गीता सु उपनिषद सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्र, इसके आगे जो एक एक अध्याय का नामकरण है वो गीता प्रेस के महानुभाव जयदयाल जी गोविंद का कृत है नाम। मूल महाभारत से गीता ली गई है ना, तो वहाँ इस प्रकार का नामकरण नहीं है, विषय के स्तर को देख करके विवेक पूर्वक नामकरण किया है, लेकिन अब मूल गीता ही नामकरण, बीच बीच में जो आरंभ में गीता प्रेस वाले श्री गणेशाय नमः, श्री हरि जोड़ देते हैं परमात्मा ने नमः, तो लोगों को नहीं हो पाता कि मूल नहीं है, उनके द्वारा जोड़ा गया। शुभ होने पर भी परमात्मा ने नमः तो मूल पाठ तो नहीं है, तो लोगों को तो मूल देखने का अवसर नहीं मिलता, वो समझते हैं कि मूल पाठ ही है परमात्मा ने नमः, तो विषाद योग सांख्य योग। तो भाष्य में भी जिस अध्याय का जो नाम दिया है, दिया माने वस्तु के प्रतिपादन को देख करके नामकरण किया, नामकरण पर मैं आक्षेप नहीं करता, लेकिन मूल महाभारत में जो गीता है उसके प्रत्येक अध्याय में का नाम विषाद योग सांख्य योग कर्म योग ज्ञान कर्म संन्यास योग ऐसा नहीं। तो मैं कहना यह चाहता था मोक्ष संन्यास योगो नाम अष्टादशोध्याय,
तो बहुत बढ़िया पोद्दार जी कहते थे, श्री स्वामी अखंडानंद महाराज कहते थे, देखो कितनी बढ़िया टिप्पणी की, मोक्ष का भी संन्यास होना चाहिए तब तो भक्ति की बात होगी, मोक्ष संन्यास योग हो नाम। इसलिए भक्ति सबसे उत्कृष्ट है। अंतिम अध्याय गीता का क्या है, 18वां अध्याय ना, उसका नामकरण क्या है, मोक्ष संन्यास योग। तो हाँ, ये कथावाच को कई बढ़िया हो गया, मोक्ष संन्यास योग हो नाम, मोक्ष का संन्यास है। क्या लिखा है 18वें अध्याय के अंत में, पुष्पिका में, श्रीमद भगवद गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्याया मोक्ष योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवाद ए मोक्ष संन्यास योगो नाम अष्टादशोध्याय। तो मोक्ष संन्यास, मोक्ष संन्यास का क्या अर्थ हुआ जी, मोक्ष का त्याग कीजिए, सगुण उपासक मोक्ष न ले, ले। तो क्या अर्थ हुआ, हमने संकेत किया कि ना सतो विद्यते भावः, असत जो है किसके लिए कहा गया, जगत के लिए कहा गया है, बंध्या पुत्र आदि का प्रतिषेध नहीं होता, जो प्राप्त ही नहीं है उसका प्रतिषेध क्या होगा। तो यहाँ पर भूत प्रकृति मोक्षम च श्रीमध्वाचार्य ने वही अर्थ कर दिया जो शंकराचार्य महाराज ने, भूत प्रकृति का अर्थ क्या है, पंचभूत कार्य हैं, उनकी प्रकृति माने उपादान, वो कौन है, मूल प्रकृति अव्यक्त प्रधान माया, इन दोनों का मोक्ष माने भूतों का मोक्ष हो जाए क्या होगा, फिर श्मशान में कौन दिखेंगे, सुरेश जी, सुरेश महापाल जी, भूतों का मोक्ष हो जाएगा तो अच्छा रहेगा या नहीं। हाँ जी, संन्यास फिर श्मशान में यात्रा करने में डर नहीं लगेगा, भूत प्रकृति मोक्षम। हाँ ठीक है, भूतों का मोक्ष हो जाएगा तो भूत रहेंगे नहीं, तो रात में भी यात्रा करने में श्मशान आदि से कोई डर की बात नहीं। भूत प्रकृति, भूत माने पंचभूत, प्रकृति माने उनका उपादान कारण, माने कार्य के सहित कारण का मोक्ष, कार्य के सहित कारण का मोक्ष किससे होगा, ब्रह्मात्म तत्व के एकत्व विज्ञान से। इसी प्रकार का बहुत संक्षिप्त शब्दों का लंबन लेकर मध्वाचार्य ने अर्थ किया, इसीलिए सभी सयाने एक मत विदुषाम किम अशोभनम। तो सार क्या निकला, ये निरूपण कर रहा था कि जो निर्गुण होगा, निर्गुण वो गुणों से अतीत होगा या गुणों के अधीन होगा, गुणों से अतीत होगा तो उसी में गुणों के नियमन की क्षमता होगी। तो भगवान जो हैं क्या करते हैं, एक ही गुण के पक्षधर नहीं हैं, प्रसिद्धि हो गई है कि भगवान विष्णु राक्षसों के दैत्यों के असुरों के शत्रु हैं। इस भ्रम का निवारण करते हुए सुखदेव जी ने कहा, कृतयुग भी है, त्रेता भी है, द्वापर भी है, कलयुग भी है, इसका मतलब शुद्ध सत्व की दृष्टि से कृतयुग है, मलिन सत्व की दृष्टि से त्रेता है, रजह की दृष्टि से रजोगुण की दृष्टि से द्वापर है, तमोगुण की दृष्टि से कलयुग है। ठीक, अब कृतयुग में उत्कर्ष किसका होगा, शुद्ध सात्विक व्यक्तियों का, त्रेता में मलिन सात्विक व्यक्तियों का, द्वापर में राजस व्यक्तियों का, कलयुग में तामस व्यक्तियों का उत्कर्ष देखा जाता है। तो भगवान क्या हुए, किसके पक्षधर हुए, सबके पक्षधर हो गए, माने सबसे अतीत जो होगा, यह जो विद्युत प्रकाश है इस समय, उसी से सफ़ेद बाल वाले भी प्रकाशित हो रहे हैं, सफ़ेद बाल भी प्रकाशित, काली खोपड़ी काले बाल वाले भी, काले बाल का भी प्रकाश उसी से हो रहा है, गौर वर्ण का भी, श्याम वर्ण का भी, पीत वर्ण का भी, दरी का भी, घड़ी का भी, इसी से प्रकाश हो रहा है। इसका मतलब सबसे अलिप्त जो विद्युत है सब का उद्भासन उसी से होता है, यह हुआ। अब यह प्रश्न उठा कि
अगर भगवान तमोगुणियों के का बंटाधार ही करते तो कम से कम उनको जो तोतली वाणी जब से बोल रहा था तब से दंत वक्ता शिशुपाल गाली दे रहा था तोतली वाणी से, तो ऐसे बोलता था। जब से तोतली वाणी बोलने लगा तब से कृष्ण को ही गाली देता था, ऐसे कृष्ण आएगा भैया, ऐसे बोलता था। ये लिखा आगे का आएगा, पहले से है भागवत में, पाठ की दृष्टि से आगे आएगा। तो जानी दुश्मन क्या था, शापित था, वो शापित था तो वैर भाव, वो जो भगवान से स्वयं द्वेष करता था। तो भगवान ने क्या किया, मौसी जी से कह दिया कि ठीक है इतने अपराध तो इसके मैं क्षमा कर दूंगा भैया, है 100 की सीमा पार करेगा तो मैं छोड़ूंगा नहीं। तो 100 की सीमा पार कर गया तो चक्र का प्रयोग कर दिया भगवान ने। भगवान के चक्र से जो मारा जाए उसकी सदगति तो होनी ही थी। तो क्या हुआ, उसकी जो पुरियष्टक से जीव कला थी वो भगवान में जाकर के देखते देखते विलीन हो गई। और युधिष्ठिर जी के सामने, नारद जी के सामने यह घटना घटी, भगवान विष्णु ने वहीं बंटाधार कर दिया। सबको देखकर आश्चर्य हुआ। तब पूछा गया ये कैसे हो गया, भगवान को पानी पी पी के गाली देने वाला अंत में चक्र के द्वारा जब उसका सिर काट दिया गया तो भगवान ने बाहर से क्या दिखाया, शत्रुता दिखाई ना, मानो शत्रुता का बदला लिया। लेकिन बदला लेके काम क्या किया, अपना सायुज मोक्ष दे दिया। उसका तेज जो है पुरियष्टक से जो जीव कला वो जाके कहाँ प्रविष्ट हो गई, भगवान में प्रविष्ट हो गई। ऐसे तो बहुत आश्चर्य की बात हो गई। तो उधर तुलसीदास जी क्या लिखते हैं, मातु की गति दीनता ही, सूरदास जी तुलसीदास जी सब क्या लिखते हैं, कालकूट लगाए विष मिश्रित स्तन के ऊपर लेप करके और बहुत रुचि रूप धारण करके गई माया करु, बड़ा विचित्र होता है। यशोदा इत्यादि आहा ऐसी तो देवी कभी दिखाई नहीं पड़ी जो आ गई है, उतना भयंकर रूप थी, माया से बहुत रुचि रूप धारण करके गई, जैसे सूर्पणखा वहाँ गई थी ऐसे यहाँ। और हरा दे दो दो दीदी दे दो हम ही दूध पिला दें, दीदी दे दो हम ही दूध पिले, मेरे ही थोड़ा बच्चा है, तेरा भी बच्चा है, बिल्कुल बच्चा फिर क्या है, क्या करने लगे, कालकूट लगाए। लेकिन मातु की गति दीन, भगवान ने कच्चा तू अभिनय में सही, दुर्भाव सही, माता का अभिनय कर रही है ठीक है, अब मैं तेरा दूध तो क्या पुरियष्टक सही तेरी जीव कला ही पी लेता हूँ, उसी को दूध बना देता हूँ, लाला भी कम थोड़े। बहुत बढ़िया टीकाकारों ने लिखा, बिना अस्त्र शस्त्र के तो बहुतों का बंटाधार कर दिया, जिस पर देवता भी विजय प्राप्त करने में समर्थ नहीं थे, कौन पूतना, हाँ वो तो पूतना कंस के समय में पूतना, उस पर देवता भी उससे डरते थे, भगवान ने तो बात के बात में मैंने कहा मामा कंस के लिए भी क्या एक मुक्का ही पर्याप्त खेल खेल में भी लाला ने बंटाधार कर दियो लाला ने खेल खेल में किसी के दूधई के बहाने पुरियष्टक से जीव कला को पी करके उसको मुर्दा बना दिया। मातु की गति दीन ऐसो यादव राय, भगवान श्री कृष्ण ने माता की गति दे दी, अभिनय पूर्वक इसने माता का रूप धारण किया, दूध पिलाया। तो दूध में तो सचमुच में तो बालक माँ के दूध पीता है, भगवान ने दूध किसको बना लिया, पुरियष्टक से जीव कला को ही दूध बना के पी लिया और निष्प्राण हो गई पूतना। यह
भाव कुभाव अनख आलस हो नाम जपत मंगल दिस दस हो। भाव हो कुभाव हो अनख हो आलस्य हो बिल्कुल क्रोध पूर्वक राग पूर्वक द्वेष पूर्वक अविद्या पूर्वक अस्मिता पूर्वक राग पूर्वक द्वेष पूर्वक अभिनिवेश पूर्वक येन केन प्रकारेण कृष्णाकार वृत्ति होनी चाहिए भगवदाकार वृत्ति होनी चाहिए। प्रीत विशिष्ट अविद्या के भगवान विषय बन जाएं कल हमने कहा तो वात्सल्य रस की सिद्धि होती है। अस्मिता के विषय हो जाएं तो बहुत बढ़िया क्या है माधुरी प्रहम इत भावनशीला कृष्णोहम भगवान में अहम बुद्धि का उदय हो गया। राग पूर्वक भगवान अब तीनों का उपयोग न करते बने शिशुपाल दंत वक्त्र कंस इत्यादि के समान तो भयपूर्वक ही सही भगवान का चिंतन हो जाए भृंगिकीट। यहाँ पर क्या है द्वेष पूर्वक ही सही भगवान का चिंतन तो हो रहा है अभिनिवेश पूर्वक वो मुझे मारे बिना नहीं रहेगा मैं उसे मारे बिना नहीं रहूँगा वो आया आया मारेगा देखो देखो भगा मैं अब पीछे दौड़ता मारे बिना नहीं रहूँगा। अभिनिवेश का विषय भगवान बन जाए तो अस्मिता का द्वेष के विषय भगवान बन जाए तो राग के विषय भगवान बन जाए तो अस्मिता के विषय भगवान बन जाए तो अविद्या प्रीति विशिष्ट अविद्या के विषय भगवान बन जाए तो क्या होगा उद्धार होगा। येन केन प्रकारेण भगवान में मन का सन्निवेश होना चाहिए। यह हुआ तब वो सबके सामने क्या हुआ देवर्ष नारद जी से युधिष्ठिर जी ने कह पूछ दिया ये क्या हुआ महाराज जब से तोतली बोली बोलता था तब से भगवान को गाली देता था यहाँ भी सबके सामने गाली दी लेकिन भगवान में उसका तेज कैसे मिल गया। पुर्यष्टक से जीव कला पुर्यष्टक से जीव कला का अर्थ सूक्ष्म कारण शरीर सहित जीवात्मा कर्मेंद्रीय पंचक एक ज्ञानेन्द्रीय पंचक दो प्राण पंचक तीन अंतःकरण चतुष्टय या अंतःकरण पंचक क्या हो गए कर्मेंद्रीय पंचक ज्ञानेन्द्रीय पंचक प्राण पंचक पंचक अंतःकरण चतुष्टय या अंतःकरण पंचक फिर अविद्या काम और कर्म सूक्ष्म और कारण शरीर से युक्त जो सिद्धातु उसी का नाम है पुर्यष्टक से जीव कला। पुर्यष्टक माने सूक्ष्म कारण शरीर का मिला हुआ स्वरूप पुर्यष्टक से जीव कला का भगवान में सन्निवेश हो गया इसी का नाम है सायुज्य मोक्ष। भगवान के समान आकृति गिद्ध देह दज धरि हरि रूपा सारूप्य मोक्ष भगवत धाम में निवास देह त्याग के बाद वो क्या हो गया सालोक्य मोक्ष और फिर भगवान के समान रूप दो को छोड़ के कौन कौन भृगुलता नहीं और जो भगवान के पार्षद होते हैं भृगुलता नहीं कौस्तुभमणि नहीं इनके अतिरिक्त सब भगवान ही जैसे वो दिखते हैं। दो नहीं होते कौन कौन वो भगवान अपने लिए सुरक्षित रखते हैं कौस्तुभमणि को धारण करते हैं भगवान और भृगुलता भृगु जी ने लात मार दी उसको चिन्ह के रूप में वाम वक्षोज पर दक्षिण वक्षोज पर मध्य में भृगुलता और कौस्तुभमणि के अतिरिक्त तो ये सारूप्य मोक्ष हो गया। सालोक्य मोक्ष भगवान के धाम में और फिर क्या हो गया सामीप्य मोक्ष। अब मठ में तो बहुत से व्यक्ति रहते हैं लेकिन व्यक्तिगत सेवा में तो गिने चुने व्यक्ति हैं या नहीं कोई झाड़ू देते हैं कोई भोजन बनाते हैं सबकी उपयोगिता है। तो सारूप्य मोक्ष भी हो गया सालोक्य मोक्ष भी हो गया तो सामीप्य का और महत्व हो गया लेकिन अंत में सायुज्य मोक्ष शिशुपाल को तो क्या हुआ मर्त्यलोक में ही जीवन काल में ही भगवान श्री कृष्ण चंद्र में पुर्यष्टक से जीव कला का सन्निवेश हो गया। महाभारत में बहुत बढ़िया कथा है धृतराष्ट्र जिस वन में निवास करते थे कब अंतिम तीन वर्ष तक नारद जी ने
संकेत किया कि ए घर में छोड़ेगा शरीर, वन में जा। पांडवों के द्वारा पालित लालित ही महाभारत युद्ध के बाद में कौन आंसू पोषता गांधारी और धृतराष्ट्र के, पांडवों ने ही माता पिता समझ के रखा, पांडवों ने ही। और अंत में धृतराष्ट्र निश्चय किया कि अब वन में छात्र धर्म का निर्वाह करते हुए वानप्रस्थ होकर शरीर छोड़ना चाहिए। गांधारी पट्टी बांधे हुए थी। कुंती देवी ने कहा, नौकरानी मेरी जेठानी की सेवा करे उचित नहीं, मैं सेवा में रहूंगी। कितना बड़ा त्याग। देखिए कुंती राजभवन में रहती थी, राजमाता थी। उसने कहा मैं घर छोड़ दूंगी, जेठानी की सेवा नौकरानी से नहीं होगी, मैं करूंगी। कितना उदात्त आदर्श। वैसे थोड़े दृष्टि को जन्म दे दिया होगा कुंती जी ने। पांव तलवा आदि नहीं छूना चाहिए, उसे अशुद्ध हो जाता। जहाँ तक बने पांव पर हाथ नहीं रखना चाहिए, वो धोना पड़ता है। तो फिर क्या हुआ, कुंती भी चली गई वन में। युधिष्ठिर जी ने कहा कि ऐसे ही करना था, इतना संकट आपने झेला, इतना संकट झेला, अब तो राज्य सुख। उन्होंने कहा अरे ऐसे करना था तो हमें युद्ध की आज्ञा क्यों दिलवाई श्री कृष्ण से। तो कुंती ने कहा सुनो, मेरा दूध कलंक कितना हो, इसलिए मैंने क्षात्र धर्म को देखते हुए युद्ध की आज्ञा दी थी। मेरा कुल कलंक कितना हो, नौकरानी से जठरानी की सेवा नहीं होगी, मैं स्वयं सेवा करूंगी। मैंने द्वेष पूर्वक युद्ध का आदेश तुम्हें नहीं दिया, क्षात्र धर्म की रक्षा से के लिए। दूध कलंक कितना हो, मैं क्षत्रियाणी हूँ, इसलिए क्षात्र धर्म की रक्षा के लिए श्री कृष्ण के माध्यम से तुम्हें आज्ञा दिलवाई कि युद्ध करो। अब मैं राजपाट छोड़ करके जेठानी की सेवा में रहूँगी। वेतन भोगी सेवकों को भेज दिया धृतराष्ट्र जी की सेवा में, उन्होंने पांडवों ने, ठीक वेतन भोगी। और कुछ ब्राह्मणों को वेतन भोगी को भेज दिया। धृतराष्ट्र कौन थे, अग्निहोत्री थे, क्षत्रिय होने के पर क्षत्रिय अग्निहोत्री थे, क्षत्रिय थे, लेकिन नेत्रों से रहित थे, तो उनकी ओर से हवन कौन करते थे, ब्राह्मण। ब्राह्मणों को भेज दिया वेतन भोगी कि जहाँ धृतराष्ट्र वन में निवास करें उनकी ओर से अग्निहोत्र कीजिए, अग्निहोत्री। तो हमने क्या संकेत किया, हमने यह संकेत किया कि इतना उदात्त चरित्र, अब यहाँ भरी सभा में क्या हुआ भगवान में, तो वहाँ तो जिस वन में धृतराष्ट्र निवास करते थे उसी वन में विदुर भी घर द्वार छोड़ के भग के निवास करते थे, लेकिन धृतराष्ट्र जी को नहीं मालूम किसी वन में कहीं कौन विदुर जी भी निवास करते हैं। एक बार नारद जी आ गए, पांडवों से कहा अगर तुम धृतराष्ट्र जी का दर्शन करना चाहते हो तो जाके वन में करो, मैं दिव्य दृष्टि से देख रहा हूँ, थोड़े समय के बाद वो देहत्याग कर देंगे। जैसे राम जी से मिलने गए भरत जी, ऐसे पूर्ववासियों को लेकर के युधिष्ठिर गए अपने ताऊ का, ताई का दर्शन करने, माता भी तो थी, दर्शन करने गए। उसके बाद में दर्शन आदि करने के बाद वन में घूम रहे थे युधिष्ठिर, तो बिल्कुल मुंह में पत्थर का टुकड़ा ढारे, मौनी बाबा के रूप में एक व्यक्ति को देखा वन में, पहचान लिया ये तो मेरे कौन है, विदुर जी हैं। चाचा 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 कह के दौड़े, विदुर जी भागे। अब वो तो घर द्वार छोड़ चुके थे अज्ञातवास, किसी को पता नहीं कि विदुर जी भी इसी वन में हैं, धृतराष्ट्र जिस वन में है, वन विशाल था। भगते 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 युधिष्ठिर जी ने पीछा किया, कम से कम दर्शन तो दे दीजिए, बैठकर कुछ मौनी हैं तो कम से कम स्थिर तो हो जाइए। एक वृक्ष के सहारे कौन खड़े हो गए, कौन विदुर जी, मौनी तो थे ही, संकेत किया कि तुम खड़े हो जाओ। युधिष्ठिर जी ऐसे खड़े हो गए, वो वृक्ष के सहारे खड़े हो गए।
अब विदुर जी ने सोचा कि मैं तो शापित हूँ, यमराज के अवतार थे ना, मंडप एक ही समय में दो अवतार यमराज के थे, धर्मराज के, एक तो युधिष्ठिर जी और दूसरे विदुर जी, ये शापित अवतार थे, वो लीला पूर्वक अवतार थे, दो अवतार एक ही वंश में चाचा भतीजा। तो विदुर जी ने सोचा कि मुझे 100 वर्षों के लिए शाप प्राप्त है कि शूद्र योनि में जन्म लो, शूद्रा के घर से उत्पन्न हुआ हूँ, अब मैं क्या करूँ, मुझे 100 वर्ष तक इस शरीर में रहना अच्छा नहीं लगता है, जाऊँ तो कहाँ जाऊँ, अपने पद पर अपने मूल रूप में यमराज के शरीर में विग्रह में प्रविष्ट अभी कर नहीं सकता, प्रतिबंध है। इसलिए सोचकर उन्होंने कहा, संकेत किया कि खड़े रहो, युधिष्ठिर खड़े हो गए। धारणा के द्वारा पुरियष्टक सहित जीव कला को विदुर जी ने धर्मराज युधिष्ठिर में प्रविष्ट कर दिए, अपना शरीर छोड़ दिया। अब दो हो गए, एक युधिष्ठिर धर्मराज के अवतार, उनमें दूसरे धर्मराज का प्रवेश हो गया, उनका नाम क्या था, विदुर। विदुर जी का शरीर सब हो गया, तब फिर दाह संस्कार कौन करे, वहाँ कौन था, काष्ठ इत्यादि का चयन करने लगे तो आकाशवाणी हुई, कहाँ लिखा है सब महाभारत में, विदुर जी यहाँ तो क्या है, जैसे सन्यासी हैं निरग्नि, अग्नि का त्याग करके तो उनके शरीर का दाह नहीं होना चाहिए, लेकिन विदुर जी तो शूद्रा के गर्भ से उत्पन्न थे, भगवान वेदव्यास जी के अंश होने पर भी, यमराज के शापित अवतार होने पर भी, तो क्या पता, संन्यास तो बाहर से था नहीं, लेकिन घर द्वार तो सब छोड़ चुके थे। आकाशवाणी हुई, ब्रह्म विद्या का अमुक जो चरण है उससे संपन्न विदुर जी हैं, इसलिए दग्ध का दाह नहीं होता, उस ज्ञानाग्नि से इनका क्या है, जीवन शरीर दग्ध है, मेरी आज्ञा है आकाशवाणी से, इनका दाह संस्कार मत करो। तो शेष जीवन युधिष्ठिर जी, 100 वर्ष में जितनी आयु शेष थी, कहाँ रहे फिर विदुर जी, युधिष्ठिर जी में सन्निहित होकर रहे, जैसे पानी में पानी मिल जाए, ये भी हुआ ना, भगवान के सायुज को तो प्राप्त होता ही है लोग, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के भी सायुज को प्राप्त हो जाता है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के सायुज को भी प्राप्त हो जाता है, ऐसा जैसे कि विदुर जी युधिष्ठिर जी में सायुज को प्राप्त हो गए, अब युधिष्ठिर जी का देहपात होगा तो फिर उस सायुज भाव को छोड़ के अपने स्वरूप में यमराज के स्वरूप में आ जाएंगे, कौन आ गए होंगे उस समय कथा के दृश्य आ जाएंगे। यहाँ कहा कि बहुत पानी पी पी के गाली देने वाला जो शिशुपाल, उसकी जीव कला भगवान में देखते प्रविष्ट हो गई, तो नारद जी से आश्चर्यपूर्वक प्रश्न किया, अहो अत्यद्भुतम हे तुर्लभ कांति नाम अपी वासुदेवे परे तत्व प्राप्तिश्चैदस्य विद्विषः। अहो, बहुत आश्चर्य की बात है, भगवान श्री कृष्ण में समा जाना अच्छे अच्छे भगवत भक्तों के लिए भी अत्यंत दुर्लभ, फिर द्वेष पूर्वक जिसने भगवान को सदा गाली दी, लाग डांट टकता था, उस शिशुपाल को ऐसी गति मिली तो कैसे मिली, देवर्षि नारद भगवान से नहीं पूछा, रहस्य तो कौन बतावेंगे, नारद जी बताएंगे, भगवान तो वहाँ थे ही, लेकिन नारद जी से पूछ। एतद्वेदितुमिच्छामः सर्वयैव वयं मुने भगवन् निन्दया वेनो द्विजैस्तमसि पीतपातितः। इसका रहस्य मैं जानना चाहता हूँ हे देवर्षि नारद जी, हम लोग जानना चाहते हैं, सबको उत्सुकता है, सबका प्रतिनिधि होकर मैं भी आश्चर्यचकित होकर पूछ रहा हूँ, बोलिए। भगवान की निंदा करने के कारण ऋषियों ने राजा वेन को नरक में डाल दिया था, यह तो दिन भर रात भर
मूर्छा ना गाली देते देते ही सोता था, इसकी ये गति कैसे हो गई। नरक में ना जा करके, अरे स्वर्ग में भी ना जा करके, वैकुंठ में भी ना जा करके, सीधे भगवान में प्रविष्ट हो गया तो सबसे ऊंची गति हुई या नहीं। दुर्गति क्या हो गई, होती है नरक में पहुंच जाओ, मरने के बाद कीट पतंग इत्यादि बनो, न कीट पतंग बना न नरक में गया, और स्वर्ग में चले जाओ स्वर्ग भी नहीं गया, वैकुंठ में जाओ तो अभी तो भगवान के लोक में ही रहोगे, ये तो भगवान ही हो गया। ये सबसे ऊंची गति इसको कैसे मिल गई, भगवान में ही समा जाना, क्या माने भगवान ही हो जाना, जैसे यमुना जी गंगा में विलीन हो जाए, या कर्मनाशा। एक बार मैं प्रवचन कर रहा था आनंद वृंदावन में, अब वो किस पर क्या बीतेगी क्या पता प्रवचन में, तो कर्मनाशा नदी में स्नान करने से, उसके जल का पान करने से पुण्य नष्ट हो जाता ये बोल रहा था। वो सब जो थे उधर के काशी, नाम भूल गया, एक कभी कभी वहाँ आते हैं नवरात्र के अवसर पर वहाँ अनुष्ठान करने, वो नाम भूल गया ब्राह्मण, उन दिनों विद्यार्थी थे। बाद में कहा महाराज कर्मनाशा की निंदा मत किया करिए, हमने कहा क्या हो गया, इसमें भी गाली है क्या। कहा हम लोग कर्मनाशा नदी के तट पर हैं, नहाते उसी में और पानी उसी का पीते हैं, गंदा नाला उधर, बाद में वो कर्मनाशा गंगा मिल जाए। हमने कहा अच्छा अब उसका भी ध्यान रखूँगा भाई। क्या हाँ, अब वो किसके कौन भक्त निकल आवे। उन्होंने कहा महाराज हम लोगों का तो फिर नहाना धोना सब बंद हो जाएगा कर्मनाशा। हमने कहा भाई रोज तो बोलता नहीं, आप मुँह से निकल गया तो शास्त्र की सम्मत ही तो निकला है, महाराज हम लोगों को फिर क्या होगा, हम लोगों का जीवन ही व्यर्थ हो जाएगा, हमारे गाय बैल सब उसी से जीते हैं, उसी के तट पर चढ़ते हैं पानी पीते हैं, हम लोग उसी का पानी पीते हैं उसी में नहाते हैं। हमने कहा आप ध्यान रखेंगे भाई। एक सभा में एक महात्मा ने मेरे सामने ही गांधी जी की निंदा कर दी, पचासों व्यक्ति खड़े हो गए मारने दौड़ पड़े। एक ने मोदी सेठ की निंदा कर दी, हाँ माधवासम जी सब मेरे सामने खड़े होके एक साहब मारने दौड़ गए। तो हमने मोदी जी है नहीं गुजरभर मोदी, हाँ यहाँ भी ऐसे हो सकता है क्या। आजकल कोई सभा में मोदी जी की चुटकी लो तो सब खड़े हो जाएंगे मारने के लिए दौड़ेंगे। तो हमने निष्कर्ष निकाला, कह नहीं सकते किसका कौन भक्त यहाँ बैठा है। गुजरमल मोदी के भी भक्त बैठे थे, उनके कार्यकर्ता लोग फैक्ट्री के, उधर ही कोई प्रवचन हो रहा था, माधव आश्रम जी ने चुटकी ले ली, और उधर कोई गांधी जी की, हाँ विचित्र बात, अब कोई गांधी जी की प्रशंसा कर दे ना, घटना घटी। देखो पवित्र महापुरुषों का चरित्र, इंदौर की बात है, इंदौर का जो गीता मंच कैसे व्यास जी थे ना अपने गुरु भाई, उन्होंने सोचा कि उदासीन संप्रदाय के संत थे जिन्होंने शुरू किया था गीता जयंती, उनको भी मैंने देखा था दर्शन किया था, उनकी समाधि बगल पार्क में, व्यास जी तो हमारे पूज्य गुरुदेव के शिष्य थे, उन्होंने सोचा कि धीरे धीरे इसको सनातन मंच बना दें। उस समय सब उदासीन ही आते थे, वो तो हमने व्यास जी को करके ये अब जो दिखते हैं ना ये रूप थोड़े था। तो पूज्य गुरुदेव ने कहा एकाएक व्यास जी के पास, व्यास जी गए दर्शन करने, किसको किसको बुलाते हो, गीता जयंती मनाते हो, देखो नहीं हमारे शिष्य हैं वृंदावन में रहते हैं, इनको क्यों नहीं बुलाते, मजा मेरा परिचय, हाँ बुलाया करो। कुछ गुरुदेव ने जोड़ा था क्या गीता भवन से हमको किसने, गुरुदेव ने व्यास जी को कहा इनको बुलाया करो, कहाँ कहाँ बुलाते हो। फिर धीरे धीरे अब तो सब आचार्य लोग सनातनी जो कुछ भी है, सभा में कौन किसके भक्त होते हैं कहा नहीं जा सकता क्या, इसीलिए बहुत सावधान होकर बोलना चाहिए। जहाँ तक किसी के मोदी के भी भक्त होते, कौन मोदी, गुजरमल मोदी के, गांधी जी के, तो एक सभा में हमारे पूर्वाचार्य महाराज पद पर थे वो बुलाए गए, नंदनंदन आनंद सरस्वती जी बुलाए गए,
अब वो मुंह से निकल गया धोखे से नंद नंदन सरस्वती जी महाराज भी सात नकार है। संन्यास का नाम रखा था पूर्वाचार्य महाराज ने, संन्यास दिया था हमारे गुरुदेव ने, नंद नंदनानंद सात नकार। उनके मुंह से निकला महात्मा गांधी, अब फिर क्या था? महात्मा गांधी, गांधी के पहले महात्मा शब्द क्यों लगाया? भरी सभा में टोक दिया। दोनों थे मित्र आपस में, दंडी स्वामी दोनों, एक शंकराचार्य एक वो, अब वो द्वारका के शंकराचार्य के वसीयत में उनका नाम था नंद नंदनानंद का। शंकराचार्य होने जा रहे थे तो पत्नी आदि ने सबने धरना दे दिया, रेल में कट जाएंगे, मर जाएंगे, तो नहीं हो पाए। यहाँ के शंकराचार्य के वसीयत में उनका नाम था, देवयोग से हमको अभिषेक कर दिया, वो रोग पड़े भरी सभा में। देखो प्रारब्ध, द्वारका के शंकराचार्य होने वाले थे, पत्नी आदि ने रोड अटका दिया, अब यहाँ का शंकराचार्य में भी उनके वसीयत में नाम, उधर हम हो गए तो भरी सभा में दिल्ली में रो पड़े थे। ये छोटा भाई मेरा गुरु भाई आज शंकराचार्य बन के बैठा है, मैं इसके नीचे इसका यशोगान गाऊं, दुर्भाग्य मेरा। अब भरी सभा में हाहाकार मच गया कि कितने कष्ट में। और रघुनाथ लवानिया, रघुनाथ जी उनके भतीजा ने संकेत किया था, वो क्या क्या बोलने लगे उस पर पानी फेरने के लिए, लेकिन उनके अंतर वेदना तो मेरे मुंह से निकल गया, मैंने तो कोई छल कपट किया नहीं है। अब जिनका जिनको गद्दी प्राप्ति थी उन्होंने हमको बलपूर्वक बुला के बैठा दिया, मेरा क्या अपराध है, आप होते तो मैं बहुत प्रसन्न होता, और क्या कहता। अब वो महाराज ने कहा महात्मा क्यों कहा, अब दोनों में छिड़ गए। उसके बाद इंदौर वालों ने, गीता भवन वालों ने कहा धर्म संघ के किसी महात्मा को बुलाएंगे नहीं, हम पर क्या असर पड़ा। दोनों भिड़ गए, महात्मा क्यों कहा गांधी, गांधी ने देश का विभाजन किया, महात्मा क्यों कह दिया। उन्होंने कहा क्षमा कीजिए मुझसे निकल गया, क्यों निकला ठीक से बोलना चाहिए, उसी पर इतना दंगा हो गया। तो कोई गांधी जी का भक्त होता है, कोई निंदक होता है, विचित्र बात। यहाँ शिष्यपाल तो भगवान का निंदक होके भगवान में कैसे समा गया। नारायण श्री राम, जय राम, जय जय राम, धर्म की अधर्म का प्राणियों में, विश्व का गोमाता की गोहत्या, भारत सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट स्वामी श्री कर्पात्री जी महाराज की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री बलभद्र महाप्रभु की, भगवती सुभद्रा देवी की, हर हर महादेव।